जमीयत अहले हदीस के सेक्रेटरी हाफिज इनायतुल्लाह साहब उनको आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और अपने तासुरात का इजहार करें। हाफिज इनायतुल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। सदर मोहतरम हाफिज वकारी साजिद हुसैन अशरफी साहब और इस इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में डाइस पे बैठे हुए जुमला मुअज्जज़ मुख्तलिफ सियासी समाजी मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान उलमाए कराम हाजिरीन मजलिस, मैं किन जुमलों से अपनी बात की शुरुआत करूं? आज का ये मंज़र देखने के बाद जो खुशी महसूस हो रही है उसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुअज्जज़ जुमला सामईन, आज जो मुल्क के हालात हैं और जिन हालात के तहत जिसके पसे मंज़र में आज का ये इत्तेहाद और जो इसकी शुरुआत हो रही है काबिले मुबारकबाद हैं हमारे अतहर हुसैन अशरफी साहब और अशरफ एकेडमी के जितने भी जुमला ज़िम्मेदारान हैं। मैं तमाम ही लोगों को जमीयत अहले हदीस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आज इस मजलिस में ये बता देना बहुत ज़रूरी और अहम समझता हूं कि कलमे की बुनियाद पे इत्तेहाद की बात जब भी जहां भी जैसे भी महसूस की जाएगी, दावत देने वाला कोई भी हो, हम अपनी ज़ात से उठ करके हमेशा मिल्लत के लिए कौम के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं जमीयत अहले हदीस की तरफ से इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तायीद और हिमायत का ऐलान करता हूँ। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है, खुशियाँ होती हैं, अपनी बात कही जाती है, लेकिन आज का ये जो मौका है मेरे पहले मुअज्जज़ जो भी खतीब लोग थे जिन लोगों ने भी अपनी बातें की, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बातें उन्होंने रखी है और इसकी गर्ज़ो गायब को बयान करते हुए अतार हुसैन अशरफी साहब ने जो इसके मकसद बताए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर में मैं अपनी बात कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि लफ्ज़े इत्तेहाद ही किसी भी कम्युनिटी के लिए उसकी जमानत, उसकी बका की जमानत का जिम्मेदार है कि जहां पे इत्तेहाद की बात आ जाएगी उस कौम को कोई मिटा नहीं सकता है। आज की ये जो शुरुआत है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मशाले राह बनेगी और मैं अपने भाइयों से बिलखसूस उलमाए कराम से सियासी समाजी जिम्मेदारान से ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ कि हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमें हमारे दरमियान कहीं पे भी कोई भी किस्म की इख्तलाफी मामलात आते हैं तो हमें इसको बहुत ज़्यादा आवामी मसाइल ना बनाते हुए आपस में अपनी जिम्मेदारी के तहत इसको हल कर लेना चाहिए, ना कि अपने मामलात को दीगर महकमों तक पहुँचाना चाहिए ताकि उनको हमारी कमज़ोरी का एहसास हो सके।
कहीं ना कहीं शुरुआत हमारे दरमियान से होती है, उसके ऊपर कदगल लगाने की जरूरत है। हम कलमे की बुनियाद पे अगर हम एक साथ हैं और हमारी शनाख्त है, तो हमें इसको फेल के जरिए नहीं, अमल के जरिए साबित करनी होगी। और इत्तेहाद, हम जिस देश में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहां के कानून, यहां के मामलात पर मुसलमान हमेशा ट्रस्ट करता था, करता है। इसलिए हमें कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहने का पूरा हक है। मुस्लिम कौम कभी भी शिद्दत को पसंद नहीं करती है, खास करके जमीयत अहले हदीस हर किस्म की तशद्दुद की मजम्मत करती है, हर किस्म के ऐसे इन समाज और दीगर लोगों को बांटने वाले जो अनासिर होते हैं उनकी हमेशा मजम्मत करती है और करती रहेगी। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के उसूलों जवाबित पर अमल करते हुए अपनी बातें जिम्मेदारान पुलिस महकमा और हुकूमत हिंद तक अपनी बातें हम डिसिप्लिन अंदाज में पहुंचाते हैं, जो कि हमारा जमहूरी हक है। लेकिन आज का जो ये प्लेटफॉर्म है कि गुलिस्तान के जितने भी फूल हैं हर एक की अपनी एक महक है, और वो उसी वक्त आबाद रह सकता है कि हर एक की इज्जत नफ्स उसके अकायद का जो भी मामला है उसकी पासदारी करते हुए उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे, और किसी मामले में अगर कहीं पे कोई इंतशार होता है तो बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हमको आपस में अपने मसाइल हल कर लेना चाहिए, ना कि हमें जग हसाई का मौका देना चाहिए। आज जो ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, ये तरतीब दिया हुआ जो प्रोग्राम है, अगर इस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को नमूने के तौर पर पेश किया तो जो लोग हमारे बारे में कमिटमेंट करते हैं कि मुसलमानों का खौफ छोड़ दो क्योंकि इनको अपने में लड़ने से फुर्सत नहीं है, उनको खौफ ज्यादा हो जाने की जरूरत महसूस होगी क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों के अंदर जो बंटवारे हो रहे थे वो बंटवारे बंद हो रहे हैं और इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म से वो मैसेज पूरे हिंदुस्तान तक चला जाएगा। और साथ ही मैं जमीयत अहले हदीस के साथ साथ कुछ जमाती तंजीम का नुमाइंदा होने के नाते भी एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारी एक्टिविटीज कोई भी देश के खिलाफ नहीं है, उसके कानून के खिलाफ नहीं है, उसके डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं है। हमने हमेशा अमन चाहा है और अमन के साथ हमने काम किया है और अमन के साथ हम काम करते रहेंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी मशीनरी को बहुत ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। यहां पे शहर के तमाम ही सरकर्ता सियासी समाजी दीनी और तमाम ही मसलक के लोग बैठे हुए हैं जो एक पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं। मुस्लिम लोगों के इत्तेहाद के साथ साथ उन बिरादराने वतन के साथ भी हम इत्तेहाद चाहते हैं जो अमन और शांति के साथ इस देश को फलता और फूलता देखना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी तशद्दुद होता है, चाहे वो मुस्लिम में हो या गैर मुस्लिम में हो या किसी भी समाज में हो, किसी भी बिरादरी में हो, किसी भी जमीयत में हो, किसी भी मामले में हो, मुस्लिम कौम कभी उस चीज की हिमायत ना करती थी और ना करेगी। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में एक इतिहास लिखेगा, अपने आप में एक नुमाया मकाम रखेगा। मैं एक बार फिर जितने भी लोग मिल्लत का दर्द रखते हुए, चाहे वो मेहमान के तौर पर, मेजबान के तौर पर, सामईन के तौर पर या किसी भी किस्म की एक्टिविटीज देने के लिए यहाँ पे शामिल हैं, मैं दिल की अमीर गहराइयों से तमाम ही लोगों का खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं, हर जमीयत, हर गिरोह, कलबे, इदारे अपना अपना काम करती रहती है, लेकिन ये जो काम है इसकी बराबरी कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपस में जोड़ देना ये बड़ा अजीम काम है और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये जो डाइस में बैठे हुए सियासी समाजी और जिम्मेदारान जो बैठे हुए हैं,
इनकी बोलने की ट्यूनिंग अलग हो सकती है, अंदाज अलग हो सकता है, लहजा अलग हो सकता है, बात कहने की तरतीब अलग हो सकती है, लेकिन सबके कहने का ये जो मकसद है आज के वक्त में कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। किसी बात पे हमारे बीच में अगर कुछ दरमियान में इख्तलाफ होता है तो इंशाअल्लाह हम कलमे की बुनियाद पर आपस में इन्नमल मुमिनूना इख्वा فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ। मोमिन मोमिन का भाई है। فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, अगर हमारे अंदर किसी एक दूसरे के अंदर कहीं को भी और खराबी है तो मोमिन मोमिन का आईना होता है, हम तो एक दूसरे की निशानी निशान नहीं करें, लेकिन उसको जलील करने की नीयत से नहीं, उसको नीचा दिखाने की नीयत से नहीं, उसका मजाक उड़ाने की नीयत से नहीं और उसका तमाशा बनाने की नीयत से नहीं, बल्कि उसकी इस्लाह करने की नीयत से। जैसे आईना हमारे चेहरे के दाग को बता देता है कि तुम्हारे दाग है, वो शोर नहीं मचाता, इसी तरीके से हमें एक दूसरे की इस्लाह करना है बगैर शोर मचाए हुए। अगर हमारे अंदर यह जज्बा पैदा हो गया तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हमें सुरखरू होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे पास बहुत ज्यादा जईद उलमाए इकराम है, मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हैं, मौलाना उबरैन साहब बैठे हैं, सियासी समाजी मिली तंजीमों के बहुत सारे मुकर्रर बैठे हैं जो मेरे से बेहतर अंदाज में अपनी गुफ्तगू रखेंगे, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर समेटते हुए जुमला अशरफ अकेडमी के जिम्मेदारान रजाकारान जिन लोगों ने भी इसके अंदर किसी भी किस्म की मुआवनत की है, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का हो, चाहे उसने अपना वक्त दिया है या उसके मुंतजमीन की कोई भी किस्म की हौसला अफजाई की है, यहाँ पे मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तमाम ही लोगों का मैं जमीयत जहदीस की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। और ये एक बार आखिर में ये सबको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के तहत इन जिम्मेदारों में से कोई भी शख्स खड़ा होकर के कोई भी कन्वीनरी करेगा, कोई भी किस्म का यानी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, उसके साथ अहले हदीस जमात हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर कलमे की बुनियाद पर इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे, और हमारे जो ये आज अकाबरीन बैठे हैं, हमारे जो उलमा बैठे हैं, हमारे जो जिम्मेदारान बैठे हैं, हम मुख्तलिफ जो भी लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम ही लोगों को हर किस्म के शर से, हसद से, फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।